सावित्रीबाई फुले जयंती आहे, त्याच्या निमित्ताने इथे उपस्थित बंधुभगिनींना मी सर्वांना अभिनंदन करते. आणि अभिव्यक्तीला माझा पाहुणे मेन स्पीकर म्हणून म्हणजे प्रमुख पाहुणे पण इथे तुम्ही मला आमंत्रित केलं, त्याबद्दल मी तुमचं खूप आभारी आहे. माझं भाषण मी हिंदीमध्ये होतं म्हणजे मराठीमध्ये सरळ बोलायला येत नाही, तरी पण मध्ये मध्ये काहीतरी तुम्हाला समजत नाही तर मी मराठीमध्ये पण मी बोलू शकते, काय हरकत नाही. मला काय बोलू शकाल त्या वाद्यांचे किस्म त्याविषय मुद्दे जे ठेवला त्याच्याबद्दल मी बोलणार. या हमारे जीवन में ये वादन से इंस्ट्रूमेंट मुझे लगता है कि हम हमेशा मेरा साथी था. मेरा पूरा एक्टिविज्म ये विषय पर है. मेरा जीवन में, मेरे काम में, मेरा संस्था में एक मेन इश्यू है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में क्या काम करना चाहिए, औरतों को कैसा न्याय मिलना चाहिए, औरतों को कोर्ट कचहरी का परिचय कैसा करने का, ये हमारा काम है. दूसरे सब काम है हमारा साइड का काम होते हैं. मेन की मेरा जीवन कानूनी मदद से कैसा मैं बदल सकी कि नहीं बदल सकी, ये एक विषय. उसके बाद में एक कानून बनेगा तो क्या उसका समझदारी लेना और उसका उपयोग करके औरतों को कैसे न्याय मिलना, इसके ऊपर हमारा मध्यस्थ में लीगल सेंटर जो है ये काम करते हैं. इसमें मुझे क्या बोलने का है कि अगर हम 1980 अगर हम देखते तभी से महिला चलवल स्टार्ट हुई, उसके साथ साथ मेरा भी जीवन परिवर्तन हो गया. क्योंकि मैं जब भी वुमेन्स मूवमेंट महिला चलवल में आई तभी मुझे लगा कि अगर ये मोमेंट से अगर मैं मिल चुकी तो मेरा जीवन में भी परिवर्तन हो सकता है. और उसमें जो कॉन्शियसनेस आया, उसमें से जो मैंने नेटवर्क कर पाई और उसमें से मेरा खुद का जीवन मैं बदल सकी. और उसके बाद में जो संस्था हम लोगों ने स्टार्ट किया कि मध्यस्थ करके और उसका लीगल सेंटर, उसमें 1990 से अभी तक 35 साल से हम काम करते हैं. और खुशी की बात है कि विजेता इधर उपस्थित है, वो हमारा संस्था का ट्रस्टी भी है और कई ट्रस्टी भी है. वो इस संस्था में गया 25 साल से मैं काम करती हूँ. अगर हम महिला चलवल का इतिहास हम देखें 1980 से जो भी इशू आता है, एक मांग रहते है कि हमको एक नया कानून चाहिए, कि कानून में बदल जाए. ये आशा ये विश्वास है कि अगर कानून में बदल आएगा तो समाज में ऑटोमेटिकली बदल आ सकते हैं और हम सबका जीवन बदल जाएगा. तो 1980 में यह घटना हुई थी, शायद कई लोगों को मालूम है, कई लोगों को मालूम है कि मथुरा करके वो घटना जो हुई थी, अपना महाराष्ट्र का घटना है, चंद्रपुर जिला में हुआ था, देसाईगंज तालुक में. उसमें बहुत सालों के पहले, 8-10 सालों के पहले एक लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ था. पुलिस थाने के अंदर बलात्कार हुआ था और पुलिस लोगों ने बलात्कार किया था. लड़की 16 साल की थी, लड़की आदिवासी थी, लड़की गरीब थी, लड़की अनाथ थी और लड़की किसी के घर में काम कर रही थी. और वो घर का एक लड़का वो लड़की को भगा के लेकर गया था. पहले हम लोग बोलते थे कि वो लड़की बाकी थी, लेकिन अभी हमको ये कॉन्शियस नहीं है कि वो लड़की के ऊपर उतना एजेंसी नहीं था कि वो खुद किसी के साथ वो भाग जाती, किसी ने उसको भगाया. उसके भाई ने वो केस पुलिस थाने में दर्ज किया और उसके कारण से उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था. उधर ही उसका रेप, उसमें महत्व का चीज तो तीन ये घटना में है कि वो रेप होने के बाद, बलात्कार होने के बाद वो बाहर आई. एक छोटा सा गांव था, रात का टाइम था, 10 बजे हो चुका था. जब वो बाहर आई और जब वो लोग उधर खड़े थे
उसका वो मैडम जिस घर में वो काम करती थी, उसका भाई, उसका बॉयफ्रेंड, सब लोग गए थे। और वो देख रहे थे कि मथुरा किधर है, मथुरा किधर है। तो मथुरा बाहर आके बोली, पीछे दरवाजे से आके बोली कि उसके ऊपर रेप हुआ। आश्चर्य का घटना ये है, अभी भी मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है कि वो सामने वाला लोगों ने उसके ऊपर विश्वास रखा और बोला कि हाँ, वो लड़की बोला तो सच ही बोलता। तो लोगों ने बोला कि अभी कंप्लेंट दर्ज करो, 1972 का बात है, ना महिला आंदोलन था ना कुछ था, 1972 का बात है, 16 साल की लड़की। तभी वो जब भी पुलिस थाने होते हैं तो वो मेन एरिया में होते हैं गांव का, तो उधर सब दुकान वगैरह होते थे। वो दुकान सब अपना दुकानदार बंद करके दुकान बाहर आए थे, तो वो लोग देखने लगा कि इधर क्या शोर मचा है, लोग चिल्ला रहे। वो लोग आके उनके साथ मिले और वो लोग ने बोला कि कंप्लेंट अभी दर्ज करो। ऐसा गांव वाला का सपोर्ट आज भी एक लड़की को नहीं मिलता है। कोई भी लड़की चिल्ला रही, मेरे ऊपर बलात्कार हुआ है, मेरे को लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई भी साथ आते नहीं है। वो दूसरी बहुत ही बड़ा आश्चर्य बात है। जब भी पुलिस ने बोला कि नहीं आज रात को नहीं होएगा, क्योंकि इंचार्ज पुलिस अफसर घर गए, सो गए कल कल सुबह, तो वो लोग ने उधर खड़ा होके बोला कि अगर तुम लोग केस नहीं दाखिल करते हैं तो हम लोग पुलिस का ताना जला देंगे। ये पोस्ट इमरजेंसी का सब बाकी था, प्री इमरजेंसी की बात कि अभी का अभी कंप्लेंट नोट करो, नहीं तो हम पूरा पुलिस स्टेशन जला देंगे। बाद में इंचार्ज ऑफिस को बुलाया और ये केस दाखिल हो गए। ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए थे, क्योंकि ये केस के द्वारा हमारा देश में एक वुमेन्स मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन मैं उसका पार्श्वभूमि आपके साथ रखती हूँ। जब ये केस मेडिकल हो गया, सब हो गया, वो ही पुलिस स्टेशन के दो पुलिस लोगों के ऊपर केस था और वही पुलिस स्टेशन उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ये भी समझना बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा घटना ही थी। एक छोटी सी लड़की, वो भी गरीब लड़की, उसका कोई नहीं है और वो पुलिस थाने में कोई उसका गुनहगार करके बुला लेते हैं और उसके ऊपर रेप होना आज भी हमारा देश में हर जगह होता है। निर्भया का केस हुआ, मध्यम वर्गीय की लड़की थी, बस में हुआ, हम सब लोग चिल्लाते हैं। लेकिन ऐसा हमारा गांव गांव है, महाराष्ट्र में किधर। और कभी भी मैं इसके इतिहास में बताती हूँ, पूरा महाराष्ट्र में जब भी मैं बोलती हूँ कि ऐसे ऐसा हुआ था तो मैं बोलती किधर हुआ होगा, तो मेरा रिस्पॉन्स में आता है कि मैडम हुआ था होगा बिहार में, बिहार में तो यूपी में, यूपी में तो नागपुर में भी हुआ होगा, हमारा महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा विश्वास ही नहीं होता कि महाराष्ट्र में यह हो सकता। वो विश्वास करने को भी हम तैयार हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य ऐसे करके हम सोचते हैं। सावित्रीबाई फुले थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत पुरोगामी देश है हमारा, हम भी मानते हैं। लेकिन जब भी हम मथुरा के बारे में हम सोचते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमको समझना। तो उसके बाद केस गई कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट था, चंद्रपुर जिला था, उधर केस वही पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले के ऊपर वो केस। और हमारी लड़की 16 साल की, बहुत ही छोटी, उसका तो कुछ नहीं है आगे पीछे। जब ये केस चली तो वो पुलिस, दोनों पुलिस को निर्दोष ठहराया, एक्विटल हो गया, क्योंकि हमारे जज बोले कि यार लड़की अच्छा कॉन्डक्ट नहीं है, उसका कैरेक्टर खराब है, ये आदमी के साथ वो बात हुई है। तो वो पुलिस थाने में आई तो जरूर उसने अपना मर्जी से सेक्स किया होगा, क्यों ऐसा जज ने ऐसा विचार किया, क्योंकि उसके आंख पर निशानी नहीं थी। सेक्स तो हो गया था, मेडिकल में प्रूव हुआ,
एक ने किया और एक ने नहीं किया। तो हमने हमारे कोर्ट में बोला कि अगर रेसिस्ट रेप होएगी तो रेजिस्ट करना बहुत जरूरी है, और अगर एक लड़की रेजिस्ट करेगी तो उसके आंख पर निशानी होना चाहिए और ये लड़की की आंख पर निशानी रहेगी तो उसने कंसेंट किया होगा और उसके चरित्र भी अच्छा नहीं, कॉन्डक्ट भी अच्छा नहीं है, तो उसको एक्विटेड कर दिया। दूसरा बहुत आश्चर्य का बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्विटेड का विरोध कभी भी स्टेट अपील में नहीं जाते। हमारा कन्विक्शन रेट अभी भी महाराष्ट्र में 13% है, उसका मतलब है कि पूरा 87% अपील में जाना चाहिए, लेकिन कभी एक आध केस अपील में जाते हैं, लेकिन कन्विक्शन हुआ 13% का तो सब लोग अपील में हायर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन ये केस में अपील हुआ। हमारा नागपुर बेंच ऑफ द हाईकोर्ट उधर हो गया, तो हाईकोर्ट ने क्या किया कि वो निर्णय को बदल दिया, जो एक्विटल था उसको कन्विक्शन कर दिया, वो कन्विक्शन कर दिया और बोला कि ये लड़की यदि प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है, वो इतना डरावा हुई है, उसको हम कंसेंट करके माना नहीं करते, कंसेंट हैज टू बी consent has to be voluntary. If it is not voluntary, then it cannot be consent. So policemen were convicted. Ye case gaya Supreme Court mein 1978 Supreme Court ka nirnay hai. To hamare paas samne do hai, ek to conviction hai, ek to acquittal hai. Abhi final word Supreme Court ka. Kya lagta hai Supreme Court ne kya kiya hoga? Ye acquittal hai, ek conviction hai. आपको क्या लगता है कि कौन सा दोनों में कौन सा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ऊपर ले सकते, कुछ आपका कुछ गेस्ट वर्क रहेगा? छोटा कोर्ट का, सेशंस कोर्ट का कि हायर कोर्ट का? दो निर्णय अपोजिट है, एक तो कन्विक्शन है, एक तो ऐसा हमारा न्याय व्यवस्था है कि हमारा पेंडुलम इधर से उधर, उधर से इधर, और जिसको हम बोलते हैं न्याय, जस्टिस जस्टिस जो बोलते हैं, क्या हुआ होगा? अक्विटल के कन्विक्शन कन्विक्शन होने चाहिए ना, आम जनता को सब मालूम है कन्विक्शन होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अक्विटल कर दिया, अक्विटल कर दिया और बोला कि ये लड़की मथुरा इज ए लायर, जो सेशन कोर्ट ने बोला उसको ये प्रोत्साहन दिया कि उसके आंख पर निशानी हो नहीं है, हर रेप केस में लड़कियों का आंख पर निशानी होना बहुत जरूरी, पेनिट्रेशन ही नहीं, मेडिकल ही नहीं, लेकिन उसने इतना उसको विरोध करना चाहिए कि क्योंकि एक लड़की को अपना वर्जिनिटी इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, उसे मरना चाहिए लेकिन अपना वर्जिनिटी को खोना नहीं चाहिए, अगर वो अच्छी इंडियन लड़की है तो ऐसा करेगा वो मर जाती है, इसने तो उसका विरोध भी नहीं किया। तो ये जजमेंट आया 1978 में, ऐसे बहुत सारे जजमेंट भी हैं हमारे लॉ बुक्स में, कोई इसके बारे में देखता नहीं, सिर्फ डिफेंस लॉयर इसका इस्तेमाल करते रेपिस के तरह से, हमारा पीपी वो उसको पढ़ते भी नहीं ना हमारे, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि और एक बहुत आश्चर्यजनक बात हुई, कोई लॉ टीचर्स थे उनको लगा कि ऐसा जजमेंट कैसा हो सकता है, ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में, जजमेंट इज लॉ ऑफ द लैंड, अगर ऐसा जजमेंट हो जाएगा तो पूरा भारत में हर मथुरा का जो भी उसका विश्वास, वो सब विश्वासघात हो जाएगा, इट विल स्नफ आउट द होप्स ऑफ मिलियंस ऑफ मथुराज इन द कंट्री। ये तो 1978 का जनता वो घटना है, उन्होंने ओपन लेटर
चीफ जस्टिस को लिखा और वो ओपन लेटर पूरा मीडिया में प्रचार कर दिया। और मुझे लगता है कि हमारा स्त्री मुक्ति आंदोलन इसी के से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये बाहर आया तो बहुत सारे एक्टिविस्ट औरतें जो है, जो सोशलिस्ट रूप में है, जो लेफ्ट रूप में थे, जो भी कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो भी दूसरे प्रोफेशन में जर्नलिस्ट है, उनको सब ज्यादा किया रहे। ये तो मेरा पर्सनल बात है, ये मेरे ऊपर भी हो सकते हैं, मेरे लड़की के ऊपर भी हो सकते हैं। इसका विरोध करना एज विमेन, एक महिला करके विरोध करना, एक महिला आंदोलन स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। और जब ये महिला आंदोलन स्टार्ट हुई तो कि कानून में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम तो कानून नहीं बनाते, कानून तो सरकार बनाते, तुम सरकार के पास। तो सरकार के पास गया नया लॉयर 1983 में लॉयर। ये मैं आपको विस्तार में क्यों बताती हूँ कि दो कारण से, एक तो महिला आंदोलन का स्टार्ट हुआ, एक रेप केस, रेप बोले तो क्या, अभी हम निर्भया निर्भया बोलते, लेकिन मथुरा का पहला रेप हो सकता जिसमें मथुरा इन्वॉल्व नहीं थी। हम आजकल हम बोलते निर्भया की लड़की का नाम नहीं बोलते वगैरह, मथुरा का नाम से पूरा हमारा कैंपेन लॉन्च हुआ। और उसमें अलग अलग विषय कि औरतों के ऊपर कौटुंबिक हिंसा, डाउरी हैरेसमेंट, डाउरी डेथ, ऐसा काफी विषय सामने आए। लेकिन एक जो फॉर्मूला तैयार किया थी, जो भी घटना है उसका आंदोलन होना चाहिए और मांग ऐसा होना चाहिए कि लॉ में परिवर्तन आने का, और लॉ में परिवर्तन सरकार ने दे दिया था 1983 में। इसके साथ साथ 1984 में डाउरी प्रोहिबिशन लॉ सिंजन बनाया, 1983 में आईपीसी में परिवर्तन लाया, और 498 जिसका भी बहुत बदनाम है, 498 बोले तो फॉल्स केसेस हम सोचते हैं, 498 लाया 1983 में। 1986 में डाउरी डेथ करके दूसरा एक लॉ आया, सब आया। बाद में ट्रैफिकिंग का लॉ परिवर्तन आया, सेक्स इलेक्शन एबॉर्शन में आया, बहुत सारे इश्यू आए। जैसे जैसे मांग थी सरकार हमको देते गया, और सरकार बहुत खुशी खुशी देते गया कि सरकार का क्या रहता है, तुमको क्या चाहिए, चलो तुम्हारा आंदोलन चल रहा है, तुमको ये चाहिए, चलो तुम हमको ये उसका फॉर्मूला देते हो, हम झूला पास करेंगे। जब ये पार्लियामेंट में जाते हैं बहुत बहुत ही उसका डिस्कशन ऐसा होता है कि देखो हमारा देश में हम औरत को देवी मानते हैं, हम उनका पूजा करते हैं, हमारे बहुत गॉडेसेस होते हैं, ऐसे सब डिस्कशन भी होते हैं। हाँ जो तुमको चाहिए तो लो आ भी जाते, उसमें एक कॉमन पॉइंट है, जैसा कि 2013 अमेंडमेंट तक कि उसमें लॉ स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, वो लॉ में पनिशमेंट बहुत ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, अक्यूज को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए, अक्यूज को अंदर रखना चाहिए, उसको बेल नहीं देना चाहिए, और उसमें वुमेन्स एम्पावरमेंट हो जाएगा। तो लास्ट अभी हो गया 1983 में लॉ में क्या आया वो सब हम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं तो भी लॉ में परिवर्तन आया, मैं आपको बता दूं। अगर हम एनसीआरबी का स्टेटिस्टिक देखें, 1980 से रेप का अलग से आता है, डाउरी रेप का अलग से आता है, और ये पब्लिक व्यू में है। अब देखो हर साल आंकड़ा ऊपर ही जाना लगा, ग्राफ तो ऐसा है, ऐसा 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 जाने लगा। अच्छी बात भी हो सकती है कि एक तो हम बोलते हैं कि समाज में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बढ़ गए, लेकिन वो भी मैं मानने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि पहला तो भी था, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करते थे, अभी बात करने लगा, बहुत सारे औरतें बोलने लगे, एम्पावर हो गया, इसलिए वो उसको रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसा भी कोई मेरे साथ आर्ग्यू भी कर सकते हैं। इसका साथ साथ हमको कन्वेक्शन रेट देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला मिनिमम पनिशमेंट होना चाहिए, 7 साल होना चाहिए, 10 साल होना चाहिए, वगैरह वगैरह होना चाहिए, क्योंकि उसमें से कमाएगा डिटरेंट राय। तो अभी हम कन्वेक्शन देख रहे हैं तो उसका अंकर घटे गए, कम होने गए, तो वो मुझे लगता है कि कैसा उसका डिटरेंट वैल्यू रहेगा कि 20 साल उनके बाद उसके जजमेंट आता है, बाद में अपील में जाते हैं, बाद में दूसरे कोर्ट में अपील में आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी लॉ एक्सेप्ट फॉर 1988 जिसमें इमीडिएट अरेस्ट है, सिर्फ वो अरेस्ट है,
उसमें भी कन्विक्शन नहीं होते, कोई भी हमारे लॉ में कन्विक्शन नहीं होते, लेकिन हम जब लॉ बनाते ना डेथ पेनल्टी होना चाहिए, तो हमको लगता है कि डेथ पेनल्टी से एक आदमी रेप नहीं करेगा, एक आदमी अपना औरत को जिंदा जलाएगा नहीं, ये हमारा एक विश्वास है, हमारा समाज में विश्वास है। जो 2013 में जब ये लॉ नया आया, एक पब्लिक सेंटीमेंट फांसी पर चढ़ा दे, ऐसा लगा कि फांसी पर चढ़ाएगा तो वो हमारा आदिवासी इलाके में आदमी लोग एक औरत के ऊपर रेप नहीं करेगा, बराबर है। इसीलिए बोलते वो निर्भय का जो हो वो तो दिल्ली में हो छोड़े, हमारा इलाके में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, हम भी उसमें शामिल थे, स्कूल कॉलेजेस प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन सब सब। और वो केस में डेथ पेनल्टी भी हो गए, लेकिन मैं आपके साथ ये सवाल करती हूं कि लॉ में चेंज आया करके डेथ पेनल्टी हुआ, नया लॉ आया इसीलिए वो दिल्ली का घटना में डेथ पेनल्टी हुआ, बराबर है कि नहीं? नया लॉ आया और उस कारण से वो चार लोगों को फांसी की सजा हो गई, वो बराबर है क्या? है कि नहीं? क्यों? नहीं, लेकिन लॉ था ना, लॉ बाद में आया, वो तो ये केस पे लागू नहीं होता ना, जब घटना हुई वो लॉ से उनका पनिशमेंट हो जाएगा, बराबर के नहीं? जो लॉ बाद में आया उसको तो इस्तेमाल नहीं हो सकता इसमें, बराबर है? क्योंकि जो घटना हुई अभी ऐसा लॉ नहीं था तो उसमें कैसा हम यूज कर सकते हैं? तो मेरा कहना क्या है कि वो पहले का लॉ तो 1983 का अमेंडमेंट कर, लेकिन उसके बारे में विचार करना कोई नहीं, वो रेप एंड मर्डर का, मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी है अगर हम प्रूव करते हैं रेरेस्ट ऑफ रेप, तो वो केस क्या हुआ कि रेप एंड मर्डर और रेप सिर्फ नहीं, इसीलिए हुआ कि नया लॉ आया करके नहीं था, लेकिन वो पब्लिक प्रेशर में उसका इन्वेस्टिगेशन ठीक, उसका इन्वेस्टिगेशन ठीक हुआ और हमने हमारा गवर्नमेंट भी जो करना चाहिए हर केस में वो ये केस में कर दिया, अच्छा वकील रखा, पूरे देश का नजर थी वो केस में और इसीलिए डेथ पेनल्टी हो। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बहुत गंभीर विषय रखना चाहती हूं, ये रेप का स्ट्रेंजर रेप, ये रेप का लड़की मध्यम वर्ग और वो चार लोग पांच लोग जो थे वो कामगार वर्ग के गरीब फैमिली के लड़के, उनने हमको बोलने का बहुत आसान करते कि उनको फांसी पर चढ़ा रहे, बराबर है। लेकिन अगर हमारे महाराष्ट्र में हमारा गवर्नमेंट ने यह सजेस्ट किया कि 94% ऑफ द केसेस आर नॉन लीगल, कोई घर में हमारे 7-8% रेप करने वाला लड़की का बाप ही होते, कभी भाई होते, कभी स्टेप फादर होते, कभी नेबर होते, कभी टीचर होते, कभी डॉक्टर होते, तो क्या हमारे कानून गरीब व्यक्ति से तो उसको अलग अलग पब्लिक सेंटिमेंट जो हो और मध्यम वर्ग के व्यक्ति आदमी से तो उनके लिए अलग अलग कि औरत और लड़की गरीब करके उसके लिए अलग प्रोसीजर, लड़की का मध्यम वर्ग का से वो लड़की आई उसके लिए अलग प्रोसीजर, ये नया लॉ आया चाइल्ड के रेप के लिए एक अलग ही लॉ नवंबर में आया था, नवंबर 14, 2012 में आया और उसमें काफी डेफिनेशंस वगैरह वाइडन बहुत वाइड थी कि पेनेट्रेशन को देखा जरूरी नहीं, ओरल सेक्स, एनल सेक्स, जो भी विकृत रूप से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हम करते, जो पोर्नोग्राफी फिल्म वगैरह हम देखते हैं, हमारा यूथ आज देख रहे हैं और उसके अनुसार जो रेप करते छोटी लड़की के ऊपर, उसके लिए सब इसको इंक्लूड किया और एक लॉ आया नवंबर 14, 1912, 2012,
लेकिन किसी को ये लॉ ऊपर क्या देगा, किसी को भी नहीं। कोई पुलिस इसके ऊपर केस दर्ज नहीं करने दी ये लॉ यूज करके। जो एक्टिविस्ट ने ये केस का डिमांड रखा वो लोग भी ये लॉ के ऊपर नजर नहीं रखा कि किस किधर केस आते किस नहीं आते। लेकिन 2013 में वो जो लॉ का मान आ गई तभी ये लॉ का डेफिनेशन हमने उसमें भी डाल दिया, आईपीसी में 376 में यही डाल दिया, ये डाल दिया। उसके ऊपर भी किसी ने नजर, जो कैंपेन करने के रास्ते पर आए थे एक्टिविस्ट है स्टूडेंट है कोई भी, हो गया लॉ आया हम बहुत खुश हैं। सेम 1983 में भी लॉ आया तो हमारा एक सक्सेस होता है, बाद में हम गलत हैं क्योंकि हमारा आदमी काम होते हैं। प्रोटेस्ट तो कोई एक दिन का दो दिन का होते हैं ना, एक महीने का होते हैं, हम हमेशा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो लॉ आया पूरा चेंज हुआ ऐसा हम सोचते हैं। चाइल्ड राइट्स ग्रुप, विमेन्स राइट्स ग्रुप, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सब। उसके बाद में अभी हम देखते हैं कि दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट आया, तरुण तेजपाल केस, शायद आपको पता है। पता है क्या? एक मैगजीन चला था तेल का मैगजीन बराबर, और उसके इशू में क्या था कि उसने अपना जूनियर के ऊपर रेप किया। एक्चुअली सेशन लड़के ने बोला वो सेक्सुअली मेरे को हैरेस कर, उसने जो बोला था कि इंस्पायरिंग होना चाहिए, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होना चाहिए। क्या कहता था मालूम है तुमने पेपर में वगैरह पढ़ा होगा, लिफ्ट के अंदर वो उसका बॉस था, उसने उसका फिंगर पेनिट्रेशन किया वजाइना अपने फिंगर का। तो जब ही वो बाहर आए थे उसने क्या किया, गोवा का पुलिस था, घटना गोवा में हुई थी, लड़की और आदमी दोनों दिल्ली में था, तो गोवा पुलिस को वो केस का पालन लॉ का पालन करना ही पड़ा। इफ यू सी वन इम्पोर्टेंट केस दैट केम आफ्टर द अमेंडमेंट, ये तरुण तेजपाल का। अगर ये तरुण तेजपाल का केस में जैसा न्यूज रिपोर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन जो भी है, विमेन मेन सब है कि विमेन आर मिस यूजिंग दम, ऐसा कि विमेन ने वो लॉ बनाया, वो लड़की बोले कि ऐसा किया था, लॉ का डेफिनेशन में आया। तो डिस्कशन में क्या होगा, ये लॉ बहुत वाइड हो गया, ये लॉ बहुत सिंजन हो गया। लेकिन तुम लोग ही चाहते थे डेथ पेनल्टी दो, अरे अगर वो आगे की सजा होएगा ना डायरेक्ट 10 ईयर्स आएगा डायरेक्ट, और उसमें उसने कबूल भी किया, उसका SMS वगैरह सब प्रूफ है। तभी हम बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? कि तरुण तेजपाल हमारा जैसा है, वो आदमी लोग स्लम में थे ना, उनको फांसी में चढ़ाने का बहुत आसान बात है। अगर ये लड़की बोली मेरे बाप में ने रेप किया मेरे ऊपर, और वो बाप आपका फ्रेंड है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, अरे अपने बेटे के ऊपर रेप किया ना उसको फांसी कैसे चढ़ा, कैसे दे सकते हैं। मैंने कहना क्या है कि जो कन्विक्शन ओरिएंटेड अपना सिस्टम है, हमारा मांग है हर बात में, हमको लगता है कि स्टेट ने इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए सबको फांसी को छड़ा रहे, लेकिन रेप इतना रैम्पेंट है। जो रिपोर्ट करते हैं तो अलग बात है, जो रिपोर्ट नहीं करते ना, ये लड़की भी रिपोर्ट नहीं करना चाहती, उसको उसने सिर्फ उसका सॉरी वो मांग रही थी, जो मीटिंग रखो और उधर उसने हमारे को सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन ये केस बाहर आते हैं तो एकदम बाहर ही आ जाते हैं, पर मीडिया का फोकस रहते हैं, मीडिया तो दो साइड में भी होते हैं, किस साइड, क्योंकि मीडिया को न्यूज बोला रहता है, किस साइड में भी एक न्यूज होता है। उसके बाद में वो लड़की ने एक न्यूज पेपर में एक आर्टिकल लिखा था, क्योंकि वो जर्नलिस्ट थी, वो बोले सिर्फ वो मेरा बॉस था, मेरा बदन का जिम्मेदार वो नहीं था ना, वो बदन के ऊपर उसका अधिकार नहीं था, वो बदन के ऊपर मेरा ही है, वो बॉस भी हो कुछ भी हो। और मैंने क्या किया कि सिर्फ मेरे डिग्निटी के लिए मैंने जो भी किया वो किया, बाद में वो लॉ में चले जाएगा ना। तो हमको लगता है कि जो भी हम सिंजन को 498 हो, डाउरी डेथ हो, जो अलग लोगों के लिए लॉ होना चाहिए, लेकिन उसमें हम लोग भी वो सब बाहर लॉ। अगर हम लोग इनके ऊपर आते हैं तो हम बोलते इसको मिसयूज हो, ये इसका गलत इस्तेमाल हो। तो मैं क्या हमेशा लिखती हूँ कि क्यों हम दो तरह का लॉ नहीं बनाते, गरीब लोगों के एक लॉ और अमीर लोगों के एक लॉ। लेकिन गरीब है तो उसको ये लॉ लागू होगा, फांसी का सजा,
और अगर विक्टिम मध्य वर्ती है और एक्यूज है, लेकिन एक्यूज मध्य में वर्ती हो तो उसको सारे के वर्ती किस, जैसे कि शाइनी आहूजा, शाइनी आहूजा का उसने उसका डोमेस्टिक वर्कर ने केस डाला था और उसने टर्मिनेशन भी हुआ था, जो भी लड़की ने खुद ने रिट्रैक्ट किया, लड़की ने रिट्रैक्ट किया, लेकिन उसका उसने स्ट्रगल किया उसका नेल्स में जो उसका स्ट्रगल था, उसका उसका हाथ पर मार्क्स का निशानी था स्क्रैच मार्क्स वगैरह, और लड़की का नखुन पर उसका बॉडी पार्ट्स मिला। तो जिसने उस वो लड़के ने बयान चेंज कर दिया और बोला कि नहीं, पहला आदमी ने बोला कि मैंने किया ही नहीं, उसका औरत भी बाहर आई और बोला मेरा आदमी के लिए मैं पूरा वाउच कर सकती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करते, ऐसा बोलता कि सेक्स के ऊपर वो लड़के को भगा के रेप करके सेक्सुअल इंटरकर्स करी वापस आते, ये सबका पब्लिक नॉलेज, फिर भी औरत ने ऐसा बयान दिया कमेंट्स में। उन्होंने पूरे न्यूज़पेपर का एजेंसी मुझे लगता है हायर किया, हर न्यूज़पेपर में कितना अच्छा वो आदमी है, कितना अच्छा उसके औरत है, फैमिली लाइफ कितना अच्छा है उसका, हर पेपर में आया, मोदी जर्नलिस्ट को भी पैसा दिया होगा वगैरह। सो इस नेचुरली वो विक्टिम को भी पैसा देगा, विक्टिम का खुद को नहीं, विक्टिम का 20 ईयर्स की थी, उसका मामा को, और मामा ने उसने दान किया होगा, लड़की का डाउरी थी, बोलते कितना दिया माल में, दिया होगा 4-5 लाख, लड़की ने बयान बदल दिया, लेकिन फिर भी कन्वेंशन, जब ये कन्वेंशन हुआ हमको लगो आयरन रिफॉर्म लॉ बिफोर द लॉ रिफॉर्म, तो सब लोग टीवी में आके बोला कि वो जज को कानून वो नहीं पालन किया बराबर, जज को कानून आता ही नहीं, और ये जज ने जो बयान दिया दिस इज मिसयूज एंड मिसअप्रोप्रिएशन, क्योंकि लड़की ने अपना बयान बदल दिया था, तो किस कैसा वो जज उनको सजा दे सकते, क्योंकि वो एक एक्टर था, क्योंकि वो मीडिया को खरीद सकता था, क्योंकि अपना हमारा ओपिनियन को बदल सकता है। ऐसा जस्टिस सिस्टम में हम हैं, और ऐसे जस्टिस सिस्टम के सामने हम मांग रखते हैं, और ऐसा जस्टिस सिस्टम जो सरकार मंजूर करते हैं वो जस्टिस सिस्टम से हमको लगता है कि न्याय मिलेगा। लेकिन मेरे को इसमें एक ही प्रश्न करने के लिए, वो लड़की बाप ने रेप किया, उसने कंप्लेन फाइल भी किया, वो लड़की कैसा बयान से दे सकते कोर्ट में, कौन रहेगा उसके साथ, कैसा दे सकते कि वो डोमेस्टिक मेड उसने रिटेक्ट किया, कौन था उसके साथ, वुमेन्स कमीशन आया, सो एंड सो आया, सब ने फोटो खींचा, सब ने टीवी में इंटरव्यू लिया, 2 साल के बाद वो केस चला तो लड़की के पास कोई नहीं था, सिर्फ वो लोग ने पैसा लिया, उसका मामा ने जो भी बोला वो जाके बोल के आई। मेरा उसके पहले एक प्रश्न है कि आप किसी ने सेशन को देखा, देखा नहीं देखा, उधर बॉक्स में जाके बयान दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन फेस किया, बहुत कम लोग। अभी सोचो कि ये 10 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, 20 साल की लड़की उधर बॉक्स में खड़ा होके उसको कोई भी उसको सिखाता है कि क्या प्रश्न होते, क्या उसको उत्तर देना पड़ते, FIR में क्या लिखा उसको नहीं पता, उसका FIR का कॉपी उसके पास नहीं है, एक दिन अचानक उसको बुलाते बॉक्स में डालते, बॉक्स में डालने के बाद सामने वाली लॉयर, लड़की शायद स्कूल में भी नहीं गई, उसने स्कूल ही नहीं देखा, कोर्ट कचहरी कुछ दूर की बात, उधर आते सेशन कोर्ट, उधर पुलिस रहते हैं, अक्यूज रहते हैं, कोई ऐसा हथकड़ी में रहते हैं, वो लड़की उधर कोर्ट में आती, हम बोलते हैं इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, ओपन कोर्ट में नहीं होना चाहिए, उधर कोई भी नहीं, सिर्फ लड़की अकेली, और ये इतना फॉर्मल सिस्टम है, जज ऊपर बैठे हैं, प्रोसिक्यूशन इधर है, वो भी आदमी होते हैं, डिफेंस लॉयर वो भी आदमी होते हैं, उसके 4-5 जूनियर भी होते हैं, देखने को समाज देखने को, और उसने ये लड़की को जैसा भी क्वेश्चन पूछा वो रिप्लाई देते, सब लोग हंसते हैं उसके ऊपर, सब लोग उसका मजाक करते, उसको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, नाटक क्या हो रहा है उसको नहीं मालूम, उसने कहा फाइनली एक्विटेड होता है, क्योंकि उसको जो बोलना चाहिए कोई भी नहीं बोलते, और 1980 से हमारा मूवमेंट चालू है, आज तक किसी ने भी
मथुरा किधर गई, स्वर्ण से किधर गई, उसके नाम से हम कैंपेन करते हैं। मेरे बेटा चाहे मर गए उसको कोई बात नहीं, बाकी सब लड़के जिंदा है। हम हमारा नजर, हमारा व्यास, हमारा मेजरिंग करते हैं सर कमीशन के ऊपर। हर साल हम कमीशन इशू देते हैं और पुलिस को और ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना, और ज्यादा लोगों को करने। लेकिन वो लड़की वही घर में फिसल रही, उसका बाप छुप के आया तो वो एरिया में फिसल रही कि नेबर ने रेप किया, कि टीचर ने रेप किया। वो लड़की का क्या होता, उसने तो कंप्लेन फाइल किया। आज तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, अगर वो लड़की 18 साल की नीचे सबको, कोई भी प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन की गई, तभी भी मैंडेटरी रिपोर्टिंग, मैंडेटरी रिपोर्टिंग होता है, डीएनए टेस्टिंग वगैरह मैच नहीं होता है। बाद में जज क्या बोलते हैं, ये लड़की झूठी है। हमसे पूछते अरे तुम ये झूठी लड़की के सपोर्ट करते हैं, लेकिन लड़की 14 साल की है। लड़की को, लड़की ने एक बच्चा का जन्म दिया शेल्टर होम में, तो कोई भी नहीं बोलता कि ये लड़की का सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। वो लड़की झूठी नहीं, क्योंकि बच्चा है ना हाथ में, 13 साल, 14 साल की, 15 साल की रहती। तो मुझे इसमें क्या करना है लास्ट में, कि हमारा नजर विक्टिम सपोर्ट में नहीं है। हम जो पहला वो FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, हम FIR दर्ज के करने में है और बेल में मिलने में है और कन्वेक्शन में है। देखिए वो जो लड़की है वो क्रिमिनल, अचानक वो क्रिमिनल लॉ सिस्टम में नहीं है, अक्यूज ने उसको लीगल एड मिल सकता, अक्यूज को वेरियस ह्यूमन राइट सपोर्ट है, लेकिन वो और दूसरा साइड में स्टेट है उसमें प्रोसिक्यूटर को केस के बारे में कुछ जानते नहीं, बदल होता है इधर उधर, जज बदल होते हैं, प्रोसिक्यूटर बदल होता है। आज 1986 एक रेप विक्टिम को सपोर्ट प्रोग्राम होना चाहिए, एक विक्टिम को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, उसका सोसाइटी में री इंटीग्रेशन होना चाहिए। ना वो स्कूल में जा सकती, ना वो एरिया में रह सकती है। अब ज्यादा करके रेप जो होता है वल्नरेबल विक्टिम, बहुत वल्नरेबल होते हैं, मल्टीपल वल्नरेबिलिटी, तो सिर्फ पेट्रियार्की नहीं है उसमें, पॉवर्टी आता है, आदिवासी लड़कियां, तुम आंकड़ा निकालो आदिवासी लड़कियां कितना है, दलित लड़कियां कितना है, पिछड़े हुआ विभाग की कितना लड़कियां हैं जिनके ऊपर हर रोज रेप होता है। तो अभी तुम सोचो कि उसके ऊपर अभी और ये कलम लग गया कि वो अभी रेप विक्टिम हो गए। अभी रेप विक्टिम के ऊपर हम ज्ञान देके देते सिर्फ एक ही बात में, रिपोर्टिंग होना चाहिए, उसमें कन्विक्शन होना चाहिए। हम नहीं सोचते कि ये लड़की को अभी एक सिस्टम के अंदर आ गई तो उसको कितना सपोर्ट होना चाहिए जरूरी है हर कदम। केस कभी आता है 1 साल के बाद, केस कभी होते 2 साल के बाद, क्या हुआ होगा लड़की का, बहुत सारे कारण लड़के गांव छोड़ के दूसरे गांव चले जाते, मिलती भी नहीं, पुलिस उनको डिटेक्ट भी नहीं कर सकती। तो ये परिस्थिति में मैं क्या बोलना चाहती हूं कि क्या हमारा नजर गलत जगह पे नहीं था आज भी, क्या इतना हम हमारे एरिया में रेप होते हैं, हमारा में कोई भी है तो जिसने सिर्फ वो FIR दाखिल करने का शायद मदद किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन उसके बाद ना हमको लगता है स्टेट का काम है, स्टेट बोलते हमारे सिर्फ कमीशन का है, उसमें होम डिपार्टमेंट है, मेडिकल में हम सिर्फ थोड़ा मेडिकल में थोड़ा नजर रखते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड कैसा होना चाहिए, क्योंकि कन्विक्शन के लिए, कन्विक्शन के बिना कि लड़की को स्कूल में वो ये स्कूल में नहीं दूसरे स्कूल में वो आ सकती क्या, वो कोर्ट में कैसा जाएगी, कोर्ट बोलेगा तो क्या कौन उसको बताएगा, उसके चार्जशीट जो बोलते हैं चार्जशीट में क्या लिखा है, वो लड़की ने क्या बोला है, माँ ने क्या बोला है, उसके दूसरा रिलेटिव ने क्या बोला है, सब मैच होना चाहिए A to Z हर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट भी छूट गया तो कन्विक्शन नहीं, ये हमारा क्रिमिनल लीगल सिस्टम है, क्योंकि वो विक्टिम अक्यूज प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमन राइट्स का वैल्यू देने के लिए, वो हम बदल नहीं सकते। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन से एक हमने प्रोग्राम
स्टार्ट किया, जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया जब 4 साल के बच्चे के ऊपर रेप हुआ था स्कूल में, स्कूल के पियोन में 2011 में, ये सब घटना होने के पहले। और जब कभी पेपर में आया तो तुरंत आया कि माँ पागल है, माँ ब्लैकमेल कर रहे हैं स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन को, वो 10 लाख मांग रही है वगैरह। तो हम लोगों को लगा कि अरे ये और बिहार से माइग्रेंट थी, वो मराठी भी नहीं जानती, फर्स्ट जनरेशन लिटरेट उसका फैमिली में वो ही बच्ची थी। हम लगा कि ये औरत का क्या होगा और उसका बच्चे का क्या होगा। तो हमने तभी ये विचार किया कि कोई विक्टिम को सपोर्ट करते क्या, हम लॉयर है लेकिन हम क्रिमिनल लॉयर नहीं थे, हम क्रिमिनल कोर्ट पे नहीं जाते, हम सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का करते थे, डाइवोर्स का करते थे, कस्टडी करके, ये सब हमको आता था, हमारे बुक्स वगैरह लिखा इसके ऊपर, और रेप के ऊपर भी बहुत बुक्स लिखा, बहुत आर्टिकल लिखा वगैरह, लेकिन वो जजमेंट पड़ती है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ट्रायल कोर्ट में हम नहीं जाते थे, और कम्युनिटी और ट्रायल कोर्ट ये हम नहीं जाते थे। तो हमारा बहुत बड़ा टीम है ऐसा, सब लॉयर है, लॉ स्टूडेंट्स है, यंग है। तो मैंने उनको कहा कि ये तो केस लड़ना पड़ेगा हमको, विक्टिम को इधर ये पता करना पड़ेगा पुलिस के थ्रू वगैरह, और वो लड़की और उसका माँ को सपोर्ट देना पड़ेगा। तो हमारा टीम में बोलने लगे नहीं मैडम हमको नहीं आते, क्रिमिनल लॉ अलग हो जाए, मैं कितना अलग होगा, हम तो लॉयर है ना, और उधर ट्रैफिक प्रोसिक्यूटर है, हमको सिर्फ लड़की को सपोर्ट करने का क्या उसमें बड़ी बात है, हमको तो जाना ही पड़ेगा। जब भी हम जाते थे बाद में बहुत अदर एनजीओज में हमको रिफर करने लगे, ये लड़की का बयान है, शेल्टर होम से किधर से केस आने लगे, तो हम रेगुलरली जाते। उसके बाद में हम हर पुलिस स्टेशन में जाते थे तो कितना रेप फाइल हो गया उसका हमको FIR का देख कॉपी दो ताकि हम लड़की को मिल सकें, ताकि कुछ नहीं हमको रिस्पॉन्स आता कुछ भी, तो ये कॉन्फिडेंशियल है इसमें नहीं सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा कोर्ट में हाईकोर्ट में मेरा पहचानता तो उसने मेरे को कोर्ट से रिकॉर्ड भी करता सेशन को, और मुझे जाके हम बोला हम कोर्ट में हाजिर रहे, इन कैमरा ट्रायल है लेकिन हम हाजिर रहे। जब हम पुलिस में बाद में गया कमिश्नर के पास कि हमको हर केस का पता लगना बहुत जरूरी है, तो हम विक्टिम को सपोर्ट करते हैं, तुम्हारा कनेक्शन बढ़ेगा ऐसा करेगा, अगर लड़की ठीक से बयान देगा तो जरूर कनेक्शन बढ़ेगा। तो उन लोगों ने बोला हम NGO को नहीं दे सकते, अगर तुम्हारे गवर्नमेंट प्रोग्राम है तो उसमें हम दे सकते। तो हम गवर्नमेंट के पास हम बोले कि हम तुम्हारा मदद करेंगे, ये विक्टिम सपोर्ट तुम्हारा ही रिस्पॉन्सिबल, कन्विक्शन वो होम का है, प्रोसिक्यूशन जॉइंट जुडिशरी का है, देखिए विक्टिम सपोर्ट तो तुम्हारा ही जिम्मेदारी, तुम तो वेमेन एंड चाइल्ड के लिए, तो हम MOU करेंगे तुम्हारे साथ, हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे राष्ट्र। तो प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम लेके हम पुलिस के पास गए और राहत तक पुलिस का एक MOU फिर से बन गया। उसमें से अभी हमको पुलिस का कम से कम इन्फॉर्मेशन आता है हमारे पास, और हम एक लॉयर को करा दिया कोर्ट में कि हमेशा तुम कोर्ट में रहते क्योंकि डेडिकेटेड कोर्ट है रेप विक्टिम, और उसमें अभी देखते हैं तो हमारा कन्विक्शन रेट कितना इम्प्रूव हुआ सिंपल में, क्योंकि वो लड़की को हम समझा सके, उसका FIR हम पढ़ते हैं, उसका चार्जशीट हम पढ़ते हैं, और कन्विक्शन अक्यूरेट में हमारा कोई भी मतलब नहीं, लेकिन लड़की स्कूल में जाती ही है, स्कूल में ड्रॉप आउट होती है, उसका कौन सा रीत से सपोर्ट है, चाहे कभी फादर रेपिंग डॉटर, फादर रेपिंग डॉटर भी ऐसा एक स्क्रिप्ट करते हैं, उस लड़की हमेशा 15-16-17 साल की होती है और उसको केस फाइल करने के बाद वही घर में रहना पड़ता है, पहला माँ उसका सपोर्ट करते हैं, बाद में माँ नहीं सपोर्ट करते क्योंकि फादर इज मेन ब्रेडविनर, उसका भाई बहन फादर माँ कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर लड़की आके क्या बोलती है हर केस में कैसे बोलती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाती थी, मेरा फादर मेरे को डांटते थे, इसीलिए गुस्से से मैंने फादर इस रेपिंग नहीं करती, मैंने फॉल्स केस कर और एक्टिव ये अब बाहर आके फादर वही घर में रहते, तो मैं निर्भय का केस में पड़े, अब निर्भय वर्ड भी यूज करते जो मीडिया ने दिया, फिर वो लड़की का क्या होता है, उसके ऊपर क्यों हमारा नजर नहीं, नजर होना चाहिए कि कभी ज्ञान रेप होता है, हमारा के पास एक केस है 13 साल की लड़की, 4 लोगों ने ज्ञान रेप किया, फादर इज अल्कोहलिक मदर इज मेड सर, हम उसको टाइम पर कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए, दूसरे NGO ने कॉन्टेक्ट किया लेकिन उसको फॉलोअप नहीं किया। लड़की केस में आए और बयान दिया कि कुछ हुआ ही नहीं, लड़की 8 दिन हॉस्पिटल में,
चार लोगों ने ले रेप किया था, तो पांच लोगों ने रेप किया, कितना हालत है लड़की का, 13 साल का होगा होता, चीज ऑलरेडी स्कूल रखा हुआ माता है जो मन, और वो जो उसको कोर्ट में लाना चाहिए वो डिफेंस लॉयर ने लाया, 3 तारीख में डिफेंस लॉयर ने लाया, और डिफेंस और लड़की आती है तो उसको अलग जगह में हम बिठाते हैं जज के चेम्बर में, वो बाहर नहीं बिठाते। तो डिफेंस लॉयर उसने अक्यूज उसने ऑब्जेक्शन लिया कि तुम लोग उसको इन्फ्लुएंस कर रहे, तो जज बोला नहीं कि तुम्हारा विटनेस है कि प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, तुम्हारा क्या पड़ा है इसमें, किधर लड़की को बताया, इतना तक कॉम्प्रोमाइज होते हैं, लड़की रिजेक्ट किया, मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं था, अक्विटेड, वो चार लोग वो ही एरिया में वापस गए, तो लड़की सिर्फ 13 साल। ये सब और उसके बाद में एक रिपोर्ट आया न्यूज़पेपर में, हाउ दैट पॉक्सो लॉ इज मिसयूज, कि लड़कियां फॉल्स केस दाखिल करती, और उसमें उदाहरण में यही केस का उसने वर्णन किया, 13 साल की लड़की गैंग रेपर, वो फॉल्स केस हो सकते हैं, फॉल्स केस का उदाहरण नहीं हो सकते। मैंने वो रिपोर्टर को फोन किया, मैंने बोला तुमने किस बात से वो बोला फॉल्स केस, किसके साथ तुमने बात किया, डिफेंस लॉयर, तो मैंने ये जो फैक्ट्स है ना, अगर वो तुम्हें फैक्ट्स पढ़ते हैं तो भी तुमको पता चल गया फॉल्स केस नहीं है, फॉल्स केस के बोलने में हम बहुत तैयार है, फर्स्ट हमको सिंजन लॉ चाहिए, उसके बाद में हम बोलते हैं फॉल्स केस, तो उसमें हमारा क्या बदल जाएगा। लास्ट में मेरे को यही पूछने का है, समाज परिवर्तन कैसा होएगा, पेट्रियार्की के बदलना तो बहुत दूर की बात है, हमारे लीगल सिस्टम काम करना चाहिए ना, वो कैसा होएगा, वो लड़की का रीइंटीग्रेशन सोसाइटी में कैसा होएगा, लड़की का सपोर्ट में कौन है, खादर में तो बदल लाया है, वो सब बहुत खुशी है, बाद में 1 साल के बाद 2 साल के बाद बोलते हम ये लॉन काम नहीं करते, क्यों काम कर रहे, स्ट्रिंजेंट नहीं, और भी स्ट्रिंजेंट बना, और भी हमारा एक ही मर्जी स्ट्रिंजेंट बना, तो कितना हम रियलिटी दखल कर सकते हैं, कितना हम ऐसा ऊपर ऊपर से कैंपेन करते हैं, कितना हम सुपरफिशियली लॉ का चेंजेस का मांग करते हैं, एक भी केस नहीं फॉलो किया, लेकिन हम आर्टिकल लिख सकते हैं, पेपर में छपा सकते हैं, हम फेमस भी बन सकते हैं, लेकिन कितना लोगों ने कितना लड़कियों को सपोर्ट किया होगा, और अगर सपोर्ट नहीं किया तो हमारा क्या, या हमारा राइट होता है उसके बारे में बात करने का, कि ये नहीं काम करे अभी दूसरा दे, वो नहीं काम करे तीसरा दे। मैं एक उदाहरण दूँ तो रेप का बात हुआ, लेकिन हर चीज में डाउरी में डाउरी डेथ में ओना इंडिया में जिस चीज हर चीज में हमारे ये ही मतलब होते हैं, जो मथुरा का केस में हमने स्टार्ट किया कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, मतलब तो केस में पुलिस चुट गए थे उधर से लेके अभी तक हमारे इंट्रोस्पेक्शन कितने होते, हमारे कैंपेन का रूप नतीजा किधर, हम क्यों उसको ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें कितना घटना होता है, कितना इश्यूज होते हैं। अगर हमारे 7-8% फादर रेपिंग डॉक्टर जो हमारा जब होम मिनिस्टर आधार पटेल थे उन्होंने अधिवेशन में बोल दिया, तो बोलेगा इसीलिए बोल दिया कि ये पुलिस का जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारा प्राइवेट इशू, उसी पर जो उसने बोल दिया ना उसी पर मेरे को पूछना था कि ये प्राइवेट इशू हो गया, फादर रेपिंग डॉटर ने प्राइवेट हो गया तो उसमें स्टेट का जिम्मेदारी नहीं है, जिस तरह से हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह से हमारा टीवी का टॉक शो होता है, जिस तरह से हमारा आर्टिकल्स आते हैं पेपर में, आज से बहुत होते हैं टॉक शो होते हैं पेपर में आते जाते हैं बहुत सारे, ये इसमें समाज बदलेगा, इसमें लड़कियों को सपोर्ट मिलेगा, और अभी तक जब तक हम वो इश्यू को एड्रेस नहीं कर सकते कुछ भी करो, कि अब मैंने निर्णय पर मैं क्यों बोली कि लॉ परिवर्तन होने का जरूर नहीं था, हमको सिस्टम काम करना चाहिए शुरुआत से, FIR से हर कदम में हमारे सिस्टम काम करना चाहिए, वो करप्ट नहीं होना चाहिए, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने काम करना चाहिए, हमारे जज ने काम करना चाहिए, हमारे पुलिस ने काम करना चाहिए, और हमारे विक्टिम को हमने सपोर्ट करना चाहिए। अभी हम राहत करने के बाद हमने एक काम किया कि हमने एक मनोदरिया स्कीम स्थापन किया जिसमें विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलता है, हर विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलता है, वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कॉम्पनसेशन बोर्ड स्थापन हुआ हर जिला में, और वो पुलिस जब एक FIR दर्ज करते हैं उसका कॉपी डायरेक्टली WCD में आएगा,
डब्ल्यूसीडी का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसका मेंबर सेक्रेटरी है, उनको कलेक्ट्रेट का मीटिंग बुलाना पड़ेगा और उसमें हर डिपार्टमेंट का लोग है और एक एनजीओ भी होना चाहिए। कम से कम पता चलना चाहिए कि हमारा पूना का डिस्ट्रिक्ट में एनजीओ मेंबर कौन है, हम सब एनजीओ के साथ काम करते हैं, कम से कम कि हर जिला में कौन एनजीओ का मेंबर है। वो उधर जाके क्या काम करते हैं, अभी हम उनका ट्रेनिंग करते हैं। हमारा ट्रेनिंग ऐसा होता है कि पूरा नाम हमारे पास है मेंबर्स और एनजीओ, और हम देखते हैं कि किसमें कंपनसेशन दिया और नहीं दिया, रिजेक्ट किया तो किस बात से रिजेक्ट, इतना तक हम नजर रखते हैं। लेकिन हम जो करते हैं ना मुंबई शहर में, इट्स नॉट इवन ड्रॉप इन ओशन, इट इज सो लेस एंड द प्रॉब्लम इज सो ह्यूज। अनलेस वी हैव अ मूवमेंट, अनलेस वी आर ऑल टुगेदर एंड वी वांट टू डू इट इन द जिला में होना चाहिए, हर तालुका लेवल पर होना चाहिए, हमारा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। हमारा कॉन्शियसनेस इसीलिए होना चाहिए कि स्टेज के बराबर काम करना चाहिए, स्टेप वन टू स्टेप टेन बराबर काम होएगा, कौन सा भी लॉ ना वो ठीक से होएगा। लॉ फेल इसलिए होता है कि हमारा सिस्टम में जो स्टेक होल्डर है वो काम नहीं करते, हर लेवल पर करप्शन होते हैं, हर लेवल पर इनडिफरेंस होता है, हर लेवल पर बायस तो है ही। तो ये सिस्टम में तुम अच्छे अच्छे लॉ लाएंगे तो क्या फर्क आएगा, क्या सिस्टम बदलेगा। तो मुझे सिर्फ ये विचार आपके सामने रखना चाहिए कि इश्यूज क्या, और हमने अभी 16 से 18 साल बना कंसेप्ट, तो 18 साल के नीचे जो भी सेक्स करते हैं वो सब हम उठे देंगे। जो इलोपमेंट, जो लव मैरिज होता है, इलोपमेंट होता है, तो माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को एक हथियार मिल गया, जब लड़का, ये लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, कि लड़की नीचे जाती है और लड़का दलित है, तो सीधा जाके माँ और बाप रेप का केस फाइल करते हैं। और जब भी वो लड़की के साथ शादी नहीं करने को तैयार हो गई और मैं केस विड्रॉ करता हूँ, बाद में विड्रॉ करता, क्योंकि वो लड़की और लड़की का बाप कोर्ट में जा तैयार भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि लड़की के ऊपर रेप हुआ तो लड़की का दूसरी शादी भी नहीं होगी, बाप आके बोलते कि अभी लड़की की शादी हुआ वो नहीं करते। इस तरह से लॉ का यूज होता है। फिर भी हम बता के निर्भय करते हैं, उसका उदाहरण से हमको लॉ भी चाहिए, हमको सिस्टम भी चाहिए और परमिशन भी चाहिए। इसीलिए इसमें बहुत सारे बात सोचना रहे, और जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ मेरा काम ही है, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रहे हैं, यंग लड़कियाँ उसमें काम कर रही हैं, सोशल वर्कर है, लॉयर्स हैं, हमारा प्रोग्राम डायरेक्टर ऑड्री है वो सरकार के साथ काम करती है, इन सब मिलके ये हमारा नया विचार हमने लगाया। लेकिन वो विचार पूरा कम से कम महाराष्ट्र में फैलना बहुत जरूरी है। हम सरकार के बहुत नज़दीक काम करते थे, किसी ने मेरे को पूछा कि अभी क्या होएगा, हमारा नहीं अभी क्या होएगा, मंत्री चेंज हो गया, सरकार चेंज हो गया, मुख्यमंत्री चेंज हो गया, हमारा डब्ल्यूसीडी का सेक्रेटरी भी चेंज हो गया, सब चेंज, तो हमको सब फिर से स्टार्ट करने का जरूरी है। हमको रिस्पॉन्स भी क्या मिलेगा वो भी हम नहीं जानते, लेकिन हमारा ये कि पहले से अभी तक एक हमारा विचार आ रहा है कि सरकार का पैसा से हम नहीं काम करेंगे, हम बाहर से पैसा लाएंगे, बाहर का पैसे से हम सरकार के साथ काम करेंगे कि सरकार का इम्प्लीमेंटेशन में सुधार हो। ये यकीन हमारा मंत्र है और वही मंत्र लेके पैसा हो कि नहीं हो हम अपना काम करेंगे। इसलिए आप सबका इसको बहुत प्रोत्साहन, उसका उसमें मिलने का बहुत ही जरूरी है, और इसमें कुछ भी देने कुछ भी आपको चाहिए वो करने को तैयार है। थैंक यू।